जनपद बहराइच क्षेत्र में चली गोली, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। गन्ने के खेत में ले जाकर राम नरेश को गोली मारकर फायरिंग की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामवासी। भादवानी गांव में राम नरेश उम्र 60 वर्ष को मारी गई गोली। हालात चिंताजनक बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल से लखनऊ किया गया रेफर। जबकि अभी कुछ दिन पहले ही थाना राम गांव क्षेत्र के बसोना माफी में 60 वर्षीय तीरथ राम को भी जमीनी विवाद को लेकर गोली मारी गई थी, जिसमें उनकी जान चली गई थी। उसके कुछ दिन पहले थाना नानपारा के ग्राम भवनियापुर में कटहल के पेड़ काटने को लेकर ताहिर उम्र 80 वर्ष को पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। ऐसे अपराधी जनपद की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बिना डरे कर रहे हैं अपराध। मिली जानकारी के अनुसार भदवानी गांव निवासी राम नरेश सिंह पुत्र शीतला सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष आज सुबह सौंच के लिए गए खेत तरफ गए थे, तभी अज्ञात लोगों ने गन्ने के खेत में घसीट कर राम नरेश को गोली मार दी, जिसकी आवाज़ सुनकर ग्रामवासी खेत तरफ पहुंचे। तभी लोगों ने पास जाकर देखा तो लहूलुहान हालत में राम नरेश सिंह जमीन पर पड़े थे। लोगों ने तुरंत उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत चिंताजनक देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। सूचना पाकर पहुंचे थाना अध्यक्ष बौंडी प्रेम प्रकाश पांडे व सीओ महसी शंकर प्रसाद भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल का निरीक्षण कर परिवार के लोगों से गहन पूछताछ कर दंडात्मक कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। फिलहाल अभी गोली चलने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, पूछताछ जारी है। प्रयागेश्वर न्यूज के लिए बहराइच से राजकुमार की खास रिपोर्ट।